हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शाली। आज मैं बनाऊंगी मखाना कोरमा सब्जी। ये एक शाही सब्जी है। इसका स्वाद और सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है। ये खाने में खट्टी मिट्टी लगती है। तो आइए मखाना कोरमा सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 50 ग्राम मखाने, 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम खोआ, हाफ बाउल मता हुआ दही, 2-3 टेबलस्पून टमाटो केचप, ऑयल, बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, 20-25 काजू के टुकड़े, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कद्दूकस की हुई अदरक, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पानी और डीप फ्राई के लिए ऑयल की जरूरत है। सबसे पहले हम ऑयल गरम होने रखेंगे और जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है हम एक बाउल लेंगे और उसमें मता हुआ दही को निकालेंगे। अब हम इसमें खोआ डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से गुठलियां खत्म होने तक मिक्स करना है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम मखाने लेंगे और इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। हमारे मखाने 1 मिनट में डीप फ्राई हो जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि इन्हें ज़्यादा देर तक ना रखें और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे मखाने डीप फ्राई कर लेंगे। हमारे मखाने डीप फ्राई हो गए हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने पर इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे, बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे और इन्हें अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें दही और खोआ का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे केचप डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। हम अपनी ग्रेवी को थोड़ा लिक्विड रखते हैं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मखाना लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारी सब्जी अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा लिक्विड रखते हैं। अब हम इसमें काजू डालेंगे, पनीर डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें मखाने डाल देंगे। जो हमने डीप फ्राई करके रखे थे वो वाले मखाने हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें मिक्स करेंगे।
ग्रेवी जब हल्की बॉईल हो जाए तो हम उसे एक बार चलाएंगे और फिर गैस सिम कर देंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसे ढक कर एक मिनट के लिए सिम गैस पर पकाएंगे। फिर गैस बंद कर देंगे और हमारी मखाना कोरमा बनकर तैयार है। इसे बाउल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। मैंने एक और शाही सब्जी बनाई है जिसका नाम है मुगलई कोफ्ता। इसकी रेसिपी देखने के लिए ऊपर वाइट कार्ड को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।